और भैया ये जो लाइन है, दो लाइन, तो ये ड्रॉपर के लिए एकदम फुल्ली अटैचमेंट। अगर एलन ज्वाइन नहीं करते कोटा में तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करते फिर आप? तो 10A+B का फॉर्मूला सुना दो आप। और तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूँ, तुम्हें याद है ना, और गलती से वायरल हो गया। वो माँ बाप जो आपको यहाँ भेजते हैं कोटा में, पूरा सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। एक तो वो कोई बढ़िया सी शायरी कोटा के ऊपर। इधर मैं तो IIT फोड़ने आया हूँ। किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है, और किसी को यकीन नहीं है मुझ पे और कोई एतवार कर बैठा। तो यार आप लोगों ने एक शायरी तो बहुत सुनी होगी, एक बच्चा रोड पे चल रहा है और एक शायरी बोलते हुए जा रहा है, तो वो शायरी जरूर आपने सुनी होगी। एलन वाला शायर हमारे साथ है, संजय भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया हूँ। कहाँ से हो तुम बेसिकली? ये मैं तो MP से हूँ। MP से हूँ। रीवा से। रीवा से। ओके ओके। यार तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, मुझे पहली बार जब तुम्हारा देखा ना तो मुझे लगा यार ये कितना कितनी प्यारी शायरी लिखी है इस बच्चे ने, और आज मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ यार, जी। है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। मतलब ये शायरी का शौक कहाँ से आया? आप पहली बात तो ये बताइए, नीट के स्टूडेंट हो या जेई के हो? जेई के स्टूडेंट हो तो IIT से प्यार करने आए हो आप, लेकिन शायरी भी करते हो। हाँ, ये तो मतलब पार्ट टाइम है, मतलब 10th क्लास में था तब तभी से मतलब इसका शौक था शायरी का, तो अच्छा, तभी से कर रहा तो हूँ। स्कूल वगैरह में थोड़ी झिझक तो पहले ही निकल गई होगी। नहीं, स्कूल वगैरह में तो नहीं किया, मतलब कुछ दोस्तों को सुनाया करता था मोहल्ले के, तो हाँ उनको भी अच्छी लगती थी, पर वो मतलब कभी ऐसा वीडियो शूट नहीं किया। अच्छा। और यहाँ पर आने के बाद जैसे पहली शायरी, पहला क्या रहा जिससे तुम फेमस हो गए, मतलब लोगों को पता चल गया कि यार ये शायर है? ये मेरी तो मैं पहली शायरी तो मतलब मेरे क्लास के मतलब जो क्लासमेट है मतलब सिद्दीकी भाई, मैंने उनको सुनाया कि वो कौन सी थी? आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले, और लोग कहते हैं मोहब्बत गुनाह है, काश कोई रोक लेता ये गुनाह होने से पहले। तो क्या बात है। ये शायरी तो मेरी नहीं, मतलब काफिल खान सर की है, तो उन्हीं को सुनाया, तो सिद्दीकी भाई को पसंद आ गई, तो उन्हें बोला कि एक अकाउंट बनाते हैं, तो उन्हें अकाउंट बनाया और मतलब ये शायरी डाल दिया, तो उसमें मतलब 2000-3000 तक व्यूज तो चले ही गए थे, तो मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाना हम लोग स्टार्ट कर दिया था। तो अभी आपके मतलब मेरे हिसाब से 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर है अभी, जी। और ये कितने दिनों में कर लिया आपने? सर 33 वीडियोस तो डाले हैं, रोज एक वीडियो अपलोड होती है, समथिंग मतलब 33 डेज तो हो ही गए। तो भाई देख रहे हो 1 महीने में भाई के 1 लाख फॉलोवर है, और भाई बहुत फेमस है अभी, है ना। मुझे भी लगा कि यार कितनी बढ़िया गहराई से बोलता है ये बच्चा। जो एक शायर होता है ना तो एक गहराई लानी पड़ती है, और भाई के पास है वो गहराई। संजय भाई आपको पता ही होगा कोटा में लाखों लोग आते हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, नीट को डेडिकेटेड करते हो, यार एक शायरी सुना दो यार कोई बढ़िया। ये एकदम मतलब नीट के लिए, स्पेशली फॉर नीट के लिए, अच्छा नीट वाले बच्चों ध्यान से सुनना भाई। कि एक दर्द है मुझे जीने नहीं देता, दिल सबर कर जाता है मुझे रोने नहीं देता, और मैं उसका हूँ ये तो वो जान चुका है, मगर वो किसका है ये राज मुझे सोने नहीं देता है। क्या बात है यार, मतलब नीट किसकी है भाई, ये राज उनको सोने नहीं देता है बच्चों को। तुम जी जान लगा के मेहनत करो भाई, तुम्हारी ये नीट है। संजय भाई जब मैंने आपकी पहली शायरी देखी थी ना भाई, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार तुम मतलब शायरी ही करते हो कि पढ़ते भी हो। मैंने आज आपका रूम वूम देखा यार, आप बुक्स भी थे, आप पढ़ते हो मिले मुझे, तो बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे इस बारे में? बाकी लोगों को मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इधर मैं तो IIT फोड़ने आया हूँ, इधर ये मेरे को शायरी वायरी का शौक तो 8th क्लास से ही था, और ये तो मैंने मतलब मेरे क्लासमेट जो मतलब सिद्दीकी भाई है, मैंने उनको सुनाया, उन्हीं ने अकाउंट बनाया, उन्हीं अपलोड किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और गलती से वायरल हो गया। तो मतलब मैं तो इधर IIT फोड़ने आया हूँ, ये तो शायरी वायरी मेरी एक हॉबी थी, बस मैं वही कर रहा हूँ, पार्ट टाइम है मेरा, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मेरे को पढ़ना है बस। हमारे साथ है एलन वाले शायर संजय भाई। संजय भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, IIT की आप तैयारी कर रहे हो, अगर IIT नहीं निकली तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि थोड़ा सा डर जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? मैं बोलना चाहूंगा कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है यार, मैं सारे बच्चों को इनके थ्रू बोलना चाहता हूँ कि यार देखो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, या तो माहिर हो जाऊंगा ठीक है, या तो आप IIT निकाल लोगे, नीट निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओ तो यार कुछ न कुछ तो बनोगे आप लाइफ में, ये तय है, पक्की बात है ना जी संजय जी भाई? बिल्कुल। तो संजय भाई आपने एलन ज्वाइन किया अभी, जी सर। अगर एलन ज्वाइन नहीं करते कोटा में तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करते फिर आप? सर मैं तो फिजिक्स वाला करता। अच्छा फिजिक्स वाले करते, जी। क्यों फिजिक्स वाला क्यों करते? फिजिक्स वाला मतलब मैंने उनका यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखा, तो उसमें मतलब उनके जो टीचर्स हैं वो भी मतलब शायरी बोला करते थे, तो मैं हाँ सोचा था तो मेरी और उनकी मतलब केमिस्ट्री अच्छी बैठेगी, दोनों शायराना अंदाज हो जाता, पढ़ने शायराना वाला है। पढ़ाने वाला दोनों शायर। जी। कोटा आपको कैसा लगा, लेकिन शायराना अंदाज में बताओ यार कोई बढ़िया सी शायरी कोटा के ऊपर।
ये शहर नहीं, ये एक महफिल है, यहाँ जो चाहो वो मिल जाता है, किसी को मंजिल मिल जाती है और किसी को मोहब्बत मिल जाता है। क्या बात भाई, कोटा वास्तव में दोनों चीजों के लिए फेमस है यार। अब जो पढ़ रहा है उसको मंजिल मिल जाएगी और जो नहीं पढ़ रहा है उसको मिल ही जाएगा कुछ मिल जाएगी। संजय भाई, जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं, बहुत धोखे रहते हैं, बहुत प्यार भी मिलता है कई जगह पे, तो जिंदगी के बारे में कुछ है आपके पास? जी जी बिल्कुल है, सुनाइए यार कुछ। तुम्हारे अंदाज बदल गए हैं कोई बात है ना, और तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूँ तुम्हें याद है ना, तुमने पकड़ लिया किसी और कहा तो तुम चल पड़ी, दुनिया तुम्हें हसीन लगी और तुम निकल पड़ी, मगर याद रखना धोखा तुमने दिया है तो तुमको भी मिलेगा, क्योंकि जैसा बीज बोगे वैसा मिलेगा, दुनिया की रिवायत है चलती रहती है, जवानी का क्या है ढलती रहती है, आज मुझे हरा कर तुम जरूर जीत जाओगी, लेकिन याद रखना बुढ़ापे तक मेरी जीत जाओगी, और भैया सावन का महीना है बहुत बरसात है ना, तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूँ तुम्हें याद है ना। क्या बात है भाई, बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सावन का महीना ही चल रहा है बच्चों। संजय भाई, मोहब्बत के ऊपर आपने कसायरी सुनाई, बड़ा अच्छा लगा, और जिंदगी के ऊपर आपने सुनाई। एक मैं आपसे कोई बढ़िया शायरी सुनना चाहता हूँ, वो माँ बाप जो आपको यहाँ भेजते हैं कोटा पे, पूरा सब कुछ दाव पे लगा देते हैं एक तो वो, फिर उसके बाद आपका इंतजार करते हैं कि आप सक्सेस होकर आओगे, और मान लीजिए यार आप सक्सेस होकर भी नहीं आ पाओगे ना, तब भी वो इंतजार करते हैं कि आप गए होने तो वापस आओगे, उस इंतजार के ऊपर कोई शायरी आपके पास? जी जी है ना, सुनाइए। कि किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है, किसी को यकीन नहीं है मुझ पर और कोई एतवार कर बैठा है, और ये दुनिया भी कितना अजीब है ना, और ये दुनिया भी कितना अजीब है ना, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतजार कर बैठा है। क्या बात है, मतलब बच्चों यार देख रहे हो ना, आपके पेरेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आपको कोटा से वापस जाना है भाई, कुछ बन के जाओ तो अच्छा है, नहीं बन के जाओ तो जैसे भी होना वैसे वापस जाना है आपको। संजय भाई, आप भी ड्रॉपर हो शायद? जी जी जी, है ना, तो ड्रॉपर की दुनिया अलग होती है, ड्रॉपर एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है कोटा में, है ना, बहुत गहराई वाला मतलब बच्चा मान सकते हैं अपन उसको ना। ड्रॉपर की मतलब दुनिया ही अलग होती है, अभी मेरा पिछले मतलब दिवाली में मैं घर ही नहीं गया था, मतलब रूम के अंदर था, बाहर पटाखे जल रहे थे तो मेरे को मतलब पटाखों की आवाज सुनाई दे रही थी, अभी मतलब दोस्त लोगों का वीडियो कॉल भी आ रहा था तो मैं देख रहा था कि वो लोग मजे कर रहे हैं, मैं इधर बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, और मतलब फिर मैं रूम से बाहर गया, इधर देखा मतलब सब जगह सब मस्ती कर रहे हैं, सिर्फ मैं इधर अकेला हूँ, फिर इधर मैं तलवंडी सर्कल पर गया और मतलब वहीं पर जा रहा था, अकेले जा रहा था, तो बस मेरी कुछ और मोस्टली सारे बच्चे चले जाते हैं कोटा से, मोस्टली सारे बच्चे चले ही जाते हैं, पूरा हॉस्टल लगभग खाली रहता, पूरा हॉस्टल पूरा खाली रहता, बस अकेले मैं था, ओनर भी थे तो वो भी अपने गांव चले गए थे, तो बस उसमें मैंने को तो कुछ चार लाइन लिखा था, तो वही मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। शायरी है कि बस का इंतजार करते हुए रोड पर खड़े खड़े और रिक्शे में बैठे बैठे गहरे शून्य में क्या देखते रहते हो, गुम सा चेहरा लिए हुए क्या सोचते रहते हो, और भैया ये जो लाइन है दो लाइन, तो ये ड्रॉपर के लिए एकदम फुल्ली अटैचमेंट है, जो दिवाली में घर नहीं जा पाते हैं, क्या खोया और क्या पाया, तुम इसका हिसाब नहीं लगा पाए ना, और इस बार भी तुम घर नहीं जा पाए ना। क्या बात है यार, क्या बात, मेरे हिसाब से जो ड्रॉपर है उनको बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल कनेक्ट करी होगी यार। संजय भाई, शायरी तो आपने बहुत सुना दी, और आप IIT के स्टूडेंट हो तो 10A+B का फॉर्मूला सुना दो आप। 10A+B का, यस, 10A+10B 1 - 10A 10B। क्या बात है यार, मतलब यार फॉर्मूला भी इन्होंने शायरियों की तरह रट रखे भाई, कहीं तो काम आती चीजें। नहीं, मैंने शायरिया बस नहीं, मतलब फॉर्मूले भी पूरे रट के रखे हैं, मतलब मेरे को पढ़ना है IIT तो यहाँ से फोड़ के ही जाना है मेरे को। क्या बात है भाई, बेस्ट ऑफ लक यार आपके लिए, और आई होप आप यहाँ से बिल्कुल IIT फोड़ के जाए भाई।